फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो चीज़ दिखा रही हूँ तो क्या आपने इसे पहचाना है? ये कोहड़ा है, वाइट कलर में आया हुआ है और ये नवरात्रि के व्रत में खाया जाता है महाराष्ट्र में। इसे चक्की भोपड़ा कहा जाता है। तो इसी की सब्जी मैं आज बनाने वाली हूँ जो कि व्रत में चलती है ये। तो पहले हम इसके पीछे का ये जो पूरा मोटा छिलका है, हम इसे पहले कट करके हटा देंगे। वैसे ये ताज़ा है तो तुरंत ऐसे कट भी रहा है, तो हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने कोहड़े के छिलके निकाल लिए हैं इस तरह से और उन्हें कट कर लिया है क्यूब्स में और उसे धोने के लिए पानी में डालकर रखा हुआ है। मैंने ज़रूरत के हिसाब से हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। अब हम लगाएंगे सब्जी को तड़का। बहुत ही सिंपल पर जल्दी से बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच सिंगदाने का तेल लिया हुआ है। अगर आप व्रत में घी वगैरह खाते हैं तो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 छोटा चम्मच जीरा। जीरे फूट चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे धुले हुए कोहड़े के क्यूब। अब हम सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। हम इसी तरह से इसको ऑयल में पकाएंगे और ये बहुत जल्दी पक भी जाता है फ्रेंड्स। अब हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि कोहड़ा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। कोहड़ा पकते हुए अभी 5 मिनट हो गए। ये थोड़ा सा इसे ट्रांसलूसेंट सा दिख रहा है, यानी हाफ कुक हो चुका है और इसने खुद का जो है पानी भी रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे पीसे हुए मूंगफली के पाउडर। ये ड्राई रोस्ट किए हुए मूंगफली है, मैंने छिलके के साथ में पीस लिया है। अगर आप चाहते हैं तो छिलका हटा सकते हैं। आप अगर व्रत में काली मिर्च, हरा धनिया और फिर और कोई चीज़ें खाते होंगे तो आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हो, पर मैं हमारे यहाँ पर जितनी चीज़ें खाई जाती है उस हिसाब से मैंने ये सब्ज़ी बनाई है और ये बहुत टेस्टी लगती है। जितनी सिंपल बनेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब ये हमारी सब्जी जो है व्रत वाली, ये एकदम अच्छे से पक कर रेडी है। आप देख सकते हो बहुत आसानी से ये कोहड़े जो है मैश हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारी सब्जी व्रत वाली बनकर एकदम रेडी है। सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनती है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। आपको रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।